कृषि कानून का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के कई संगठन के साथ मिलकर आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका असर पूर्णिया में भी देखने को मिल रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां सहित किसान संगठन आज सड़कों पर है और शहर के अंदर और बाहर जाने वाले सभी मार्गों को बंद कर दिया है। सड़कों पर ज्यादातर राजद के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, जो बार बार बिहार में कानून व्यवस्था चौपट होने की दुहाई दे रहे हैं। वहीं उन्होंने शहर के अरनसा चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। आज ये भारत बंद पीछे करो मोबाइल है, काला कानून है उसके खिलाफ और युवा राजद के कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया जुर्म के खिलाफ और विधानसभा में जो नीतीश कुमार ने जो अनैतिक कार्य किया है उसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल सभी विंग छात्र युवा सभी प्रकोष्ठ के लोग और राजद के जितने भी लोग हैं पूरे बिहार में बंद करने का और उसे पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। और ये जो नीतीश कुमार विधानसभा में रह करके जिसको 42 विधायक रहते हुए वो एक अनुकंपाई मुख्यमंत्री है, बावजूद जब वो बिल मिला करके विधायकों के साथ में दुर्व्यवहार करता है और उसको सदन से बाहर निकालने का काम करता है, ये घोर अनैतिक है। उसका विरोध राष्ट्रीय जनता दल करता है और इसी में हम लोग बंद का आह्वान किए हुए हैं और पुतला दहन का कार्यक्रम हर चौक चौराहे पर और सभी प्रखंड में सभी पंचायतों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ट्रेन भी रोका गया है क्या? नहीं, ट्रेन नहीं है, ये मतलब रोड परिवहन का जो है ये भारत बंद। समर्थन कैसा मिल रहा है? समर्थन ये महागठबंधन भी है इसमें और बंद लगभग पूर्णतः बंद है और जैसा रिपोर्ट आ रहा है कि पूरे बिहार में खास करके बंदी बहुत ही सफल है। विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।